हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टाइप के फ्यूज यूनिट की बात करेंगे, जिसको हम लोग कॉमन उसमें जो है ऑफिसेज में, घरों में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, हर जगह आप लोग देखते हैं। दैट इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड एमसीबी। तो एमसीबी क्या होता है, इसको आज हम लोग पहले बात करते हैं कि ये भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर ही है, ठीक है। और जो डिफरेंट जगहों पे यूज होता है, दिस इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ठीक है। अब देखिए एमसीबी क्या होता है, बेसिकली कि ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स डेफिनेट प्रोटेक्शन टू द वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवर करेंट्स एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो एमसीबी का फायदा क्या होता है कि पहली बात तो एमसीबी में हमको क्या होता है कि डेफिनेट प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं या कितना मिलेगा ये चांस नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है कि 100% प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। डेफिनेट प्रोटेक्शन मिलता है किसको, किसी भी हमारे जो भी उससे वायरिंग इंस्टॉलेशन है उनको भी, ठीक है, वायरिंग इंस्टॉलेशन को, और कोई अगर इक्विपमेंट वगैरह उससे लगा हुआ है उसको भी। अगर कोई भी हमारा कॉस्टली इक्विपमेंट है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, उनके पहले अगर आपने उनके थ्रू जो करंट, उसके जो करंट जा रही है वो एमसीबी के थ्रू आपने निकाल दी, तो एमसीबी उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे ओवर करेंट्स, मान लीजिए कभी हैवी करेंट या ओवर करेंट आ गई उस रेटिंग से ज़्यादा उस इक्विपमेंट्स के उससे, और अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है उससे, तो इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं इनसे एमसीबी जो है डेफिनेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा थर्मल ऑपरेशन जैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन इज अचीव्ड विद ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब इसमें क्या होता है कि थर्मल ऑपरेशन और यू कैन से ओवरलोड प्रोटेक्शन is achieved with a bimetallic strip which deflects when heated by any overcurrents flowing through it. तो इसकी बेसिक वर्किंग क्या होती है कि इसमें क्या होता है, bimetallic strip होती है। MCB में जो मेन वर्किंग कंपोनेंट होता है वो होता है bimetallic strip, ठीक है। और इस bimetallic strip की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी ओवरहीटिंग होती है तो ये बाईमेटलिक स्ट्रिप क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इट डिफ्लेक्ट्स, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि इन डूइंग सो रिलीजेस द लैच मैकेनिज्म एंड कॉजेस द कॉन्टैक्ट्स टू ओपन। तो जब ये डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि इसका जो रिले मैकेनिज्म होता है उसके अंदर, एमसीबी के अंदर, ठीक है, तो इट रिलीजेस द लैच मैकेनिज्म, लैच मैकेनिज्म ये रिलीज हो जाता है और कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक रिजल्ट, तो यानी कि इससे होता क्या है कि इनवर्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एमसीबी की, ठीक है। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर द ओवरलोड और एक्सेसिव करेंट, मतलब अगर ओवरलोडिंग जितना ज़्यादा होगी या करेंट जितनी हैवी होगी, शॉर्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द एमसीबी। मतलब देखिए इनवर्स टाइम करेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही अगर करेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो एमसीबी के ऑपरेशन में कम टाइम लगेगा, ठीक। यानी अगर इसको हम ऐसे लिख ले, मान लीजिए ये हो गया टाइम और ये हो गया करंट, ठीक है। अगर करंट हाई है तो टाइम कम लगेगा, एमसीबी ऑपरेट हो जाएगी या ट्रिप कर जाएगी इसको बोलते हैं। अगर करंट लो है तो इसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, जब हाई होगी या ओवरलोड होगी या हैवी करंट एक्सेस करंट जाएगी तभी एमसीबी ऑपरेट करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। ये तो हो गया आपका हैवी करंट या एक्सेस करंट जाने पे। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि ऑन द अकरेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट द राइजिंग करंट एनर्जाइजेस द सोलेनॉइड ऑपरेटिंग द
प्लंगर टू स्ट्राइक द स्ट्रिप लीवर कॉजिंग इमीडिएट रिलीज ऑफ द लैच मैकेनिज्म। तो एक्सेसिव करंट ने तो हमने आपको बता दिया, और जब कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट में, जो भी एमसीबी से जुड़ा हुआ वायरिंग इंस्टॉलेशन है या कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट तेजी से एकदम इंस्टेंटली इंक्रीज करती है। तो द राइजिंग करंट एनर्जाइजेज द सोलेनॉइड, राइजिंग करंट क्या करती है, सोलेनॉइड को एनर्जाइज करती है, और जब सोलेनॉइड को एनर्जाइज करेगी, ऑपरेटिंग द प्लंगर टू स्ट्राइक द ट्रिप, ऑपरेटिंग द प्लंगर क्या करता है, स्ट्राइक करता है ट्रिप के ऊपर, ट्रिप लीवर पे, और ट्रिप लीवर पे जब वो स्ट्राइक करता है तो कॉजिंग इमीडिएट रिलीज ऑफ द लैच मैकेनिज्म। तो जो आपका ट्रिप लीवर है वो क्या करता है कि तुरंत ही लैच मैकेनिज्म को रिलीज कर देता है। रैपिडली ऑफ द मैग्नेटिक सोलेनॉइड ऑपरेशन कॉजेज इंस्टेंटेनियस ओपनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इतनी तेजी से ये काम होता है, एकदम इंस्टेंटली होता है सोलेनॉइड वाला ऑपरेशन, कि इंस्टेंटली ही जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जाते हैं, मतलब करंट फ्लो करना बंद कर देती है या एक तरह के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसमें अगर एमसीबी के हम स्पेसिफिकेशन की बात करें कि एमसीबी किस रेटिंग में या कैसे कैसे आती है, तो देखिए एमसीबी जो है डिफरेंट करंट रेटिंग में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्मॉल एमसी 0.5 एम्पियर से लेकर, ठीक है, 0.5 हो गया, फिर आपका 1.2 हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका 0.5 एम्पियर हो गया, आपका 1.2 एम्पियर हो गया, उसके बाद जो है एमसीबी बहुत ही वाइड रेंज ऑफ करंट रेटिंग अवेलेबल, उसके बाद आपका 2.5 एम्पियर हो गया, ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, या 7 हो गया, 7.5 एम्पियर की रेटिंग हो गई, फिर 10 एम्पियर की आती है, फिर 16 एम्पियर की आती है, 20 एम्पियर, 25, 32, ठीक है, फिर 35 हो गया, 40 एम्पियर हो गया, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, 125 एम्पियर एंड 160 एम्पियर, और वोल्टेज रेट, ये तो हो गई इसकी करंट रेटिंग, ये तो इस करंट रेटिंग की आती है। ठीक है, और अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो आप ये समझ लीजिए 240 से लेकर और 415 वोल्ट, 240 से 415 वोल्ट एसी, और अगर हम डीसी की बात करें तो आपका करीब अप टू 220 वोल्ट डीसी तक के लिए एमसीबी अवेलेबल है। ठीक, इसमें ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है किसी भी एमसीबी के लिए, तो जो ऑपरेटिंग टाइम होता है बहुत ही कम होता है, मतलब कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई तो एमसीबी ट्रिप करने में या कनेक्शन ये ओपन होने में इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है आप ये मान लीजिए कि बहुत ही कम, मतलब कि से लेस देन 5 मिली सेकेंड के अंदर ही सर्किट ओपन हो जाता है और करंट फ्लो करना बंद करती है। तो जो भी वायरिंग इंस्टॉलेशन है या जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ठीक, अब इसकी अगर हम लोग बात करें कि कहाँ पे यूज हो सकता है, तो देखिए अभी हमने आपको बताया ना, वायरिंग इंस्टॉलेशन एज वेल एज जो भी हमारे इंपॉर्टेंट और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, जैसे मैं आपका से एसी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, और आपके कंप्यूटर्स हो गए, और भी तमाम चीजें हैं जो भी आपके सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं वहां पे आप एमसीबी यूज करेंगे तो वो इक्विपमेंट जो है आपके काफी सेफ रहेंगे ओवर करेंट से या शॉर्ट सर्किट फॉल से। ठीक, तो ये तो हो गया कि एमसीबी के बारे में, कि एमसीबी किस रेटिंग में आती है, क्या आती है और
क्या होता है उसमें। अब अगर हम मान लीजिए से एक आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं कि एमसीबी में कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपली ये इस तरह से, अगर आप किसी भी एमसीबी को देखेंगे तो इस तरह से आपको इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा कंपोनेंट क्या है ये हम आपको बता देते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे ये है, सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल, या ये इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज आउटगोइंग टर्मिनल। ये क्या है, ये आउटगोइंग टर्मिनल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारा वही बाईमेटलिक स्ट्रिप की जो हम बात कर रहे थे। तो ये हो गया आपका बाईमेटल कैरियर, ठीक। उसके नीचे यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये है बाईमेटल स्ट्रिप जो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, तो ये है ट्रिप लीवर, ट्रिप लीवर, ठीक। उसके बाद जो अभी हमने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में आपको बताया था कि सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का होता है ये, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है। और उसके नीचे ये लगा हुआ है आपका प्लंगर, ठीक है। फिर एमसीबी को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, या मतलब सिंपली टेक्निकली सही करेक्ट बोल सकते हैं, ये है ऑपरेशनल ऑपरेशन नॉब। यहीं से हम ऑफ और ऑन, आप सब लोगों ने यूज भी किया होगा, यहीं से हम इसको ऑफ और ऑन करते हैं, ये हो गया ऑपरेशन नॉब, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है टॉगल, ठीक। फिर जहां से वह तार या इनकमिंग करंट आपको देनी है तो ये कहलाता है आपका इनपुट, दिस इज इनकमिंग टर्मिनल, दिस इज इनकमिंग टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं ये फिक्स कॉन्टेक्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, ठीक। फिर इसके फिक्स कॉन्टेक्ट ऊपर यहाँ पे ये जो पत्ती लगी होती है दैट इज सिल्वर ग्रेफाइट कॉन्टेक्ट टिप, दिस इज कॉल्ड सिल्वर ग्रेफाइट कॉन्टैक्ट टिप, ठीक है। ये है सिल्वर ग्रेफाइट कॉन्टैक्ट टिप। उसके बाद ये जो है हमारा ये है मूविंग कॉन्टैक्ट, तो दिस इज मूविंग कॉन्टैक्ट। आर्क शूट्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, दिस इज आर्क शूट्स। और इन आर्क शूट्स को कहाँ पे हम फिक्स करते हैं, तो ये हो गए आपके आर्क शूट्स होल्डर, तो दिस इज आर्क शूट्स होल्डर, ठीक है। और उसके बाद ये एंगुलर वेंट्स बनी होती हैं, दिस इज एंगुलर वेंट्स। तो इस तरह से आप ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं एमसीबी का, कि इसके अंदर ये कंपोनेंट होते हैं। तो इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि ये हो गया आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा MCB क्या होता है, किस रेटिंग में आता है, उसके क्या यूज होते हैं, और उसका एक हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखे, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके अंदर कौन कौन से यूज होते हैं उसको भी बता दिया है। तो अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।